नागरिकता कानून के खिलाफ संविधान बचाओ देश बचाओ प्रोग्राम। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के चलते बीजापुर जिला के इंडी तालुका में नागरिकता कानून के खिलाफ संविधान बचाओ देश बचाओ का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बात करते हुए कांग्रेस मुखंड सीएम इब्राहिम ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए कानून लाकर लोगों को परेशान कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 10 साल लग जाएंगे। अच्छे दिन का वादा करके ऐसे दिन लाए हैं, हमें हमारे पहले के दिन ही वापस दे दो। 6 करोड़ युवा आज बेरोजगार हैं, इसकी परवाह न करते हुए नए कानून लाकर गुमराह कर रही है सरकार। इसलिए हमारे संविधान को बचाकर इस देश को बचाने की बात कही सीएम इब्राहिम ने। इस मौके पर विधायक यशवंत गौड़ा पाटिल, बीजापुर के पूर्व MLA मकबूल बागवान, इलियास बोरीमनी, जैन, SC, क्रूब, लिंगायत और सभी समाज के मुखंड और लोग बड़ी संख्या में रहे मौजूद। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Jai Hind. Jai Hind. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ ಮುಂದೆ 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ದೇಶ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ. 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ಯದ, 72 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ ಆಗ್ಯದ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಬಹುತ ಭಾರಿ ಪಡೆ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ. ಆಜ್ ಇವತ್ತು ಜನ 6 ಕೋಟಿ ಜನ ಯುವಕರು MBBS, BSc, BCOM, PhD, IIT ಮಾಡುವಂತ 6 ಕೋಟಿ ಜನ ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಯಾರ. ಇದರದ್ದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಮ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಿಕಾಲೆಂಗೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಿತನೆ ಲೋಕ ಭೂಕೆ ಮರ ರೇ ಉಸ್ಕಾ ಸೆನ್ಸ್ ಲೇ ರೇ ಬಾವಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೋ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಾರ ಅದ್ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೋ. ಇವತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1.5 ತಾಸ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಾಗ. ನಾನ್ ನೋಡಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಜುಮ್ಲ, ಬರೀ 70 ಸಾಲ ಮೇ ಕುಛ್ ಭೀ ನಹೀಂ ಹುವಾ. ಸತ್ತರ್ ಸಾಲ ಮೇ 50,00,000 ಕರೋಡ ಖರ್ಚಾರ್ ಥಾ. ಮೋದಿ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ 6 ಸಾಲ ಮೇ 90,00,000 ಕರೋಡ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾ ಹುವಾ ಹೈ. 90,00,000 90,00,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಸಾಲಗಾರು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೂಸ್ ಹುಡ್ತು ಅಂದ್ರ 27,800 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ದುಬೈಗಾಕಿ ಬಚ್ಚೇ ಜನ್ರಿ
लेकिन एक एक बच्चे के ऊपर 28,000 रुपए खर्चे के साथ आ रहा हूँ। अदन नोड़े आप मगु होता है तो बच्चा भी बोल रहा मेरी अम्मा कई कुछ इंद्रिगे मोदी रहते तो मैं मुझे छोड़ना था। 28,000 रुपए सालगार वब्बर निवेलू ना वेलू। काउंसिल और अंजुमन इस्लाम कमेटी के इस एहतजाजी प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के सदर जनाब हम सब के अजीज यशवंतराव गौड़ा पाटिल साहब, केपीसीसी के सेक्रेटरी जनाब वालीकर साहब, जितने भी स्टेज पे मौजूद मेहमानों ने खुसूसी रूबरू तशरीफ फरमा, मेरे भाइयों और पर्दानशीन मेरी बहनों, आप सबको मेरे जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज हम लोग जमा हुए हैं सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ। आज एक मासूम बच्ची को भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पता है, न जाने हमारी सरकार को क्या जरूरत है इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। हिंदुस्तान मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसको हम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहते हैं। आज हमारे ही मुल्क के लोगों से चुनी हुई सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें तमाम मजहब के रहने बसने वाले लोगों को यहाँ पर जीने का, रहने का, अपने अपने धर्म का और रहने बसने का इंतजाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनकी टीम ने आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की है और ये करते रहेंगे। इससे हमें और एक बात बड़ी खुशी से हो रही, खुशी मिल रही है कि हम यहाँ पर इस एहतजाजी प्रोग्राम में, वो भले हमको एनआरसी के जरिए सेकुलर माइंडेड लोगों को बिखरने की साजिशें कर रहे हैं, मगर ये यहाँ पर जितने भी लोग कौम और मिल्लत के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, खास करके हमारी ही कौम में अलग अलग तबके के लोग रहते बसते थे, हम सबको उन्होंने एक किया है। आज सबसे पहले मैं दिल्ली शहर में शाहीन बाग की मेरी माँ बहनों को मैं स्टेज के जानिब से सलाम करता हूँ। वो एक दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ पर इतिहास हमने ये देखा है कि कोई बाबा औरतों के सलवार कमीज पहन के भाग गया था, वैसे शहर में आज हमारी माँ बहनें पिछले कई सालों से, कई दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनके लिए मैं फिर एक बार हमें इस जानिब से सलाम करता हूँ। और हमारे ही तारीख में मुझे एक चीज याद आ रही है कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की एक किस्सा, वो आपको पता है
वो बहुत बचपन में बहुत खूबसूरत थे, उनको उनके आपस की साजिशों की वजह से उनको कुएं में डाल दिया था। कुछ लोगों ने उन्हें कुएं से निकाला था, निकाल के एक बाजार में उस बच्चे को, यानी यूसुफ अलैहि सलाम को, बहुत खूबसूरत थे, उनको बेचने के लिए लेके गए थे। बच्चे की खूबसूरती को देखकर बहुत से पैसे वालों ने उस नीलाम की बोली में उन्होंने अपने अपने हाथ में पैसे की थैली, यानी अशरफिया की थैली लेके आके खड़े थे। उन लोगों में से एक औरत भी थी जो बहुत गरीब थी। उस औरत को देख के लोगों ने पूछा उस औरत से कि आप इतने बड़े पैसे वालों के सामने आप कैसे आप नीलाम में इस बच्चे को खरीदोगे। वो औरत ने, उसके अल्फाज ने लोगों को चौंकाने की बात की थी। उस औरत ने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर जिस दिन यूसुफ अलैहि सलाम की तारीख लिखी जाएगी उस फहरिस्त में मेरा नाम भी होगा। उसी तरह मैं चाहता हूं कि इस एहतजाज में आने वाले दिनों में जब भी अगर तारीख लिखी जाएगी, सबसे पहले हमारे माँ बहनों की तारीख लिखी जाएगी। वैसे एनपीआर के बारे में हमारे वालेकर साहब अभी अभी बात किए, हमारे मैकेरे साहब, बहुत से लोगों ने बड़ी दिल खोल के बातें की हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम लोग सीए के खिलाफ हैं, एनसीआर के खिलाफ हैं, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ हैं, और हमें कोई डरने की बात नहीं है। हमारे साथ ऐसे सेक्युलर लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदुस्तान में तमाम लोग जातिवाद नहीं हैं, बहुत से सेक्युलर लोग हैं, हमें आपस में मिलजुल के रहते आ रहे हैं और कयामत तक हम रहते रहेंगे। ऐसी बात करते हुए मैं अपनी बात को इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिंदा रहना है तो, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असल मुंसिफ है खुदा, असल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। और जिंदगी भीख है अगर, और जिंदगी भीख है अगर, तो फिर इतनी शराफत से न मांग। बहुत बहुत शुक्रिया। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं।